दुनिया कहती है जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होना निश्चित है, लेकिन हमें छठ पर्व से यह सीख मिलती है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय होना सुनिश्चित है। बोलो जय छठी माई। तो ऑलराइट दोस्तों, आज वो दिन आ चुका है जिसका हम सबों को बहुत दिनों से इंतजार था। आज छठ पर्व है और छठ पर्व का चहल पहल बहुत ज्यादा से यहाँ हो रहा है। तो बने रही वीडियो में अंत तक। मेरा नाम है सुभाष और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुभाष यादव ब्लॉग्स में। हम आपको दिखाएंगे हमारे यहाँ किस तरह से छठ पर्व मनाया जाता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं हम लोग, खासकर यूपी बिहार और झारखंड में। और देखिए यहाँ पे कितना सारा लोग जमा हो रखे हैं और नीचे वहाँ पे पूजा हो रहा है। और ये रहा हमारा मंदिर जो कि कल सुबह में इसका विसर्जन किया जाएगा। और यहाँ भी एक तोप बनाया गया है जो हमारे आस पास के लड़का बनाया है। तो चलिए पूजा दिखाते हैं आप। देखिए पीछे जो मंदिर बना है, ये देखिए। आप सभी को हमारे यादव परिवार की तरफ से छठ पूजा का ढेर शुभकामनाएं। और ये हमारे टोला का सबसे बड़ा मंदिर है, हमारे गांव का बोल सकते हैं। इसको सुबह में विसर्जन करेंगे। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, पूजा का समय हो चुका है, पूजा शुरू भी हो चुका है। चलिए आप लोगों को पूजा दिखाते हैं।
मम्मी का पूजा खत्म हो गया, अभी का शांत वाला अर्घ का मम्मी कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा? भूख लगा हुआ है? अच्छा सही बात। देखिए यहाँ पे सभी खाली हो गया, अब सुबह में फिर इतना भीड़ लगेगा तो मेरा यहाँ केला बचा हुआ है, अब केला लेके घर चलते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है और व्रत का दूसरा पड़ाव मतलब कि सुबह वाला अर्घ हो रहा है, मतलब अभी सूर्योदय होने वाला है। तो चलिए घाट पे देखते हैं। प्रसाद आप लोग भी खाइए और मैं भी खाता हूँ। पूरे बिहार में सबसे फेमस प्रसाद है ये छठ का प्रसाद।
तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे, और आप लोग मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी आनंद लिए होंगे, इंजॉय किए होंगे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने सगे संबंधियों के पास, वीडियो को फैलाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को इंटरटेन करता रहूँगा। फिर जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।